अभी बता, कल हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था, ठीक है, हम लोगों ने कल फिजिक्स में पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, और डेफिनेशन रिलेटिव टू रिफ्लेक्शन, और हम लोग पढ़ेंगे बता लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टू लॉज है, ठीक है, तब हम लोगों ने जो इसका इमेज बनाई थी बिना इस प्रकार की, जहाँ से हमारी पॉजिटिव आई थी का इंसिडेंट रे, कौन सी रे थी बताइए, इंसिडेंट रे थी, और ये जो है इंसिडेंट पॉइंट का, इंसिडेंट पॉइंट, और ये हमारी थी का रिफ्लेक्टिव रे, हिंदी में कहेंगे बेटा परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, ये है बेटा हमारी आपकी क्या, ये है परावर्तित क्या, और ये है बेटा हमारा आपतन नियम, आपतन नियम, और ये है हमारा नॉर्मल यानी अभिलंब, ठीक है। और अगर हम ये बात करें, ये हमारा जो हाई पोल है उसी में ये किरण यहाँ आई और यहाँ से बहुत कुछ भी थी, इसी पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, देखिए तीनों क्या है ना इस हाई पोल पर, ये एक तरह से हमारे प्लेन है, क्या हमारा नहीं प्लेन है, ये हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष से घिरा हुआ जो पार्ट होता है हमारा कौन सा होता है, एक्स वाई प्लेन होता है, मतलब होता है एक्स वाई प्लेन, और इसमें अगर एक और एक्सिस होती है वो कौन सी होता है, जेड एक्सिस, अगर जेड एक्सिस हो ये वाला जो प्लेन बनेगा प्लेन कहेंगे का एक्स जेड प्लेन, ये हमारा है एक्स जेड प्लेन, और ये जो है हमारा क्या होगा बेटा वाई जेड प्लेन, तो ये इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं बेटा प्लेन होते हैं, ठीक है। एक प्लेन ये हमारा जो है यहाँ पर जो राइट पोल है एक हो गया हमारा, तो हम लोग क्या कहते हैं उनका कौन कौन, ठीक है, कौन सा पॉइंट है इंसिडेंट पॉइंट, एल इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर एडजस्ट इन सेम प्लेन, क्या हो गया उनका एडजस्ट करते हैं उनका सेम प्लेन में एडजस्ट करते हैं, कौन कौन, एक इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, तीसरा नॉर्मल, तीनों तीनों के तीनों इंसिडेंट रे और कौन सी होता है रिफ्लेक्टेड रे और जो है क्या होता है नॉर्मल, तीनों के यहाँ पर इंसिडेंट पॉइंट पर, यहाँ पर इंसिडेंट पॉइंट पर ये तीनों क्या होते हैं उनका एक ही तल में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, क्या बता दीजिए, परावर्तन के नियम क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है हमारा, ठीक है, एट इंसिडेंट पॉइंट इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर एडजस्ट इन सेम प्लेन, ठीक है, एक ही प्लेन में होते हैं, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का होता पहला नियम, ठीक है। तो आपके आपका प्रिज्म पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण तीनों किरण एक ही तल में स्थित होती है, ये हमारा क्या होगा पहला नियम है, इसका नियम है ये परावर्तन का पहला नियम है, आपतन बिंदु पर आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, आपतन बिंदु पर कौन कौन बना आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। सेकंड लॉ जो रिफ्लेक्शन का आया था, सेकंड लॉ जो रिफ्लेक्शन का है वो क्या है हमारा, ये हम लोगों ने जो पढ़ा था एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो देखिए बेटा इसे कहते हैं आई इक्वल टू आर होता है, क्या होता है बेटा आई इक्वल टू क्या होता है आर होता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल
normal and reflective. If you know, take same way now. Second block at angle of incidence or angle of reflection normal. Okay. Yeah, our second block at plot of reflection. Next heading. Next heading is object. Next heading is our object. Object kya hoti hai isme vastu. So har wo cheez, theek hai, har wo cheez jisse kya hota hai matlab prakash ka utsarjan hota hai yani candle shot hota hai. Theek hai, jaise hum kehte hain candle hai, to candle se kya ho raha hai light. Kya hoti hai matlab produce hoti hai. तो हर वो चीज जो लाइट प्रोड्यूस करती है एमिट करती है वो हमारी क्या होती है ऑब्जेक्ट होती है या फिर कोई भी और बस जो चीज है जो क्या करती है उनका स्किन रेज को क्या करती है उनका रिफ्लेक्ट करती है क्या करती है उनका रिफ्लेक्ट करती है क्या करती है रिफ्लेक्ट करती है एमिट करे या रिफ्लेक्ट करे क्या करे दो चीजें या तो ऑब्जेक्ट कर सकता है हर वो चीज जो क्या कर रहा है लाइट को एमिट कर रहा है या फिर क्या कर रहा है उसका रिफ्लेक्ट ठीक है एक तो या तो एमिट कर रहा है या फिर क्या कर रहा है उसका रिफ्लेक्ट कर रहा है वो चीज क्या होती है हमारे उसका ऑब्जेक्ट ठीक है अगर समझ में आ रहा है किसी हर वो चीज जो क्या करती है लाइट को या तो एमिट करती है रिफ्लेक्ट करती है यानी प्रकाश को उत्सर्जित करती है या किसी से निकालती है और दूसरी चीज क्या है वो क्या करती है प्रकाश का परावर्तन तो हमारी ये क्या है ऑब्जेक्ट है अब उसमें का क्या एस्पेक्ट है तो हम लाइट को हैं इसमें दो चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है एक तो ऑब्जेक्ट का दूसरा इमेज का सेकंड चीज क्या होती है हमारी क्या है इमेज ठीक है फर्स्ट क्या है ऑब्जेक्ट है और दूसरा क्या है मतलब इमेज है प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या होता है मतलब हमारे पास तो ऑब्जेक्ट है इसके अलावा हमारे पास ऑब्जेक्ट है अब ऑब्जेक्ट से क्या होती है मतलब हमने कहा कि लाइट प्रोड्यूस हो रही है लाइट एमिट कर रही है लाइट एमिट करेगी तो ट्रैवल भी करेगी तो वैसे तो किसी भी ऑब्जेक्ट से आसानी से जोड़े क्या होती है फाइनाइट रेज क्या होती है उनका निकलती है तो बट हम लोग अपनी सुविधा के लिए केवल टू रेज केवल टू रेज को जोड़े क्या करते हैं मतलब बताते हैं या पढ़ते हैं केवल टू रेज क्या होती है निकलते हैं कभी कभी बाई चांस थ्री वे भी हम शो करते हैं तो ये हमें चित्र बनाने में आसानी होती है इस काम में हम किसी ऑब्जेक्ट से निकल रहे हैं ये एमिट कर रहे हैं ठीक है तो अब यहाँ पर जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से यहाँ से क्या होती है लाइट रेज क्या होती है एमिट होती है या फिर रिफ्लेक्ट होती है तो यहाँ से या तो एमिट होती है लाइट रेज कम नहीं है या फिर क्या होती है रिफ्लेक्ट होकर रेज कम नहीं है तो हम यहाँ पे टू रेज क्या होती है अपना सिंपल ये टू रे आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दो चीज वो हमारी क्या होती फिनोमेना होती है वो रिफ्लेक्शन हो रही है रिफ्लेक्शन तो हम लोगों ने अभी रिफ्लेक्शन पूरा पढ़ा है रिफ्लेक्शन ही पढ़ा है हालांकि ये रिफ्लेक्शन में अलग से डेफिनेशन आएगी इमेज की तो देयर हम यहां एक साथ ले रहे हैं फॉर्म डेफिनेशन को चाहे बाहर को चाहे यहां तो हम लोगों का समय अंदर जो हमारी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से जो हमारी पूरे चलती हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ये जहाँ पर क्या करती है मतलब मीट करती है यहाँ पर क्या कर जाती है मीट करती है या मीट करती हुई क्या होती है मतलब हमें प्रतीत होती है यहाँ पर ये क्या कर रही है मतलब मीट कर रही है या मीट करती है प्रतीत हो रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं मतलब पहली ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं प्लेस ठीक है क्या है कि जो हमारी क्या है कोई ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से क्या हो रही है या कोई पॉइंट है जिससे क्या हो रही है हमारी इमेज क्या हो रही है एमिट कर रही है और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती है किसी अनदर पॉइंट पर जाकर क्या करती है क्या ठीक करती है या क्या क्या हो रही है हमें प्रतीक होती है तो ऐसे जो है दूसरे पॉइंट को क्या करती है दूसरे पॉइंट होता है अगर उस पॉइंट को हम एस पॉइंट का कहते हैं उनका इमेज और इस वास्तव में तो इमेज क्या होती है मतलब एक तो एक्चुअल में ये क्या करती है मतलब मीट करती है ठीक है तो ये टू टाइप्स की क्या होती है मतलब इमेज होती है क्या होती है मतलब टू टाइप्स की क्या होती है मतलब
टू टाइप्स की इमेज बनती है, एक होती है रियल इमेज और बच्चों के लिए एक होती है। शिक्षा में देखते हैं उनका चेहरा देखते आते हैं हमारे
Thank you.